आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा तैयारियों में जुट गई है। 13 जनवरी को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मैराथन बैठकें रखी गई हैं, जिसमें पार्टी के सभी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मोर्चा और प्रकोष्ठों के साथ पार्टी के आला नेता मंथन करेंगे। हाल ही में संगठन में हुए फेरबदल के बाद यह बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बार भाजपा पंचायत चुनाव में नए जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों और बूथ अध्यक्षों के बलबूते पर चुनावी मैदान में जा रही है। वह बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ सहित पार्टी के आला नेता मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। सरकार के आधार पर पंचायत राज पर कब्जा करने का घृणित काम किया है, जो अब तक कभी नहीं हुआ। पहले सरपंच का चुनाव करा रहे हैं, सरपंच के चुनाव के में भी 7 दिन का गैप दे रहे हैं, जबकि कभी आज दिन तक दिया नहीं एक। फिर इसके आधार पर वो सरपंच पर दबाव बनाकर अपने राज का आगे की सीट जीतने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ जनता इस षड्यंत्र को समझे और समझ करके वास्तव में लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है अगर कोई, जो वास्तव में ईमानदारी को नीचे उतार सकती है, वो पंचायत राज है। देखो हम लोग हमारी तैयारी जो कर सकते हैं वो करेंगे। सरपंच में तो कोई सिंबल देते नहीं, कौन किसका जीत के आता नहीं, लेकिन जीतने के बाद हर सरपंच इतना कमजोर जरूर हो जाता है